हेलो दोस्तों, मैं कविता आज आप सभी लोगों के लिए एक बहुत ही स्पेशल रेसिपी लेके आई हूँ। मैं आप सभी लोगों के लिए सोया चाप करी रेसिपी लेके आई हूँ। ये नॉन वेज डिश को भी एक बहुत ही कड़ी टक्कर देता है। साथ ही साथ वेज रेसिपीज़ में पनीर के बाद अगर कोई रेसिपी बहुत ही फेमस है तो वो है सोया चाप। तो इसी के साथ कविताज किचन तड़का में आप सभी का स्वागत है। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आज ही सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियोज़ अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूले। चलिए बनाना शुरू करते हैं सोया चाप करी। इसके लिए हमें चाहिए सोया चाप, साथ में हमें चाहिए दही, नमक, काली मिर्च पाउडर, तेल, टमाटो प्यूरी, प्याज और हरी मिर्च का पेस्ट, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, लहसुन अदरक का पेस्ट, और साथ में लेंगे खड़े गरम मसाले जिसमें चाहिए एक तेजपत्ता, एक खड़ी लाल मिर्च, एक हरी इलायची, थोड़ा सा जीरा, 4 से 5 काली मिर्च, लौंग 2 से 3, और साथ में हम लेंगे नींबू, कश्मीरी मिर्च पाउडर रंग के लिए, चाट मसाला, हल्दी और लहसुन अदरक कटा हुआ बारीक बारीक, आप चाहे तो इसे लच्छे में काट लें। और इसके साथ मैंने यहाँ पर लिया हुआ है सोया चाप जो कि फ्रोज़न है। ये मार्केट में बहुत ही आसानी से मिल जाता है। तो सबसे पहले मैं इसे बॉईल करूंगी। आप चाहें तो इसे बिना बॉईल किए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर मैं इसे बॉईल करूंगी ताकि इसके अंदर से जो एक फ्रोज़न की जो एक महक होती है, जो एक रॉ महक आती है, उसे मैं हटा सकूं। इसके लिए मैंने यहाँ पे पानी में लिया है सोया चाप, और मैंने इसमें डाला है थोड़ा सा नमक जिसे मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई। साथ में मैं यहाँ पर ले रही हूँ थोड़ा सा नींबू का रस, और अब मैं इसे हाई फ्लेम पर करीबन 5 मिनट के लिए अच्छी तरीके से उबाल लूँगी। उबालने के बाद ये थोड़े से अपने साइज से दुगने हो जाएंगे, थोड़े से ये और फूल जाएंगे। तो यहाँ पे ये हो चुका है अच्छी तरीके से। तो अब मैं इसका पानी जो है वो निकाल लूँगी। मैं इसे अच्छी तरीके से स्ट्रेनर की हेल्प से छान लूँगी ताकि इसके अंदर बिल्कुल भी पानी ना रहे। और अब हम इसके स्टिक्स निकालेंगे। बहुत ही आसानी से इसके अंदर जो स्टिक्स हैं वो निकल जाएंगी। देखिए, आप इसी तरह से स्टिक निकाल लीजिएगा, और अब इसके बाद हम इसे कट करेंगे। आप इसे अपने मनपसंद आकार में काट सकते हैं, पर कोशिश कीजिएगा कि ना पीसेस ना बहुत ज़्यादा मोटे हो ना बहुत ज़्यादा पतले, आपको इसे मीडियम कट देना है। अब हम सोया चाप को फ्राई करेंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे तेल लिया है, और इसे मीडियम फ्लेम पे मैंने धीरे धीरे गर्म कर लिया है। तेल अच्छी तरीके से गर्म हो चुका है, तो अब यहाँ पे मैं डाल रही हूँ अपने सोया चाप के पीसेस। एक बार में जितने पीसेस आ जाए आप डाल सकते हैं, और मीडियम फ्लेम पे सोया चाप को हम फ्राई करेंगे। फ्लेम आप लो कर सकते हैं या मीडियम कर सकते हैं, पर हाई मत कीजिएगा। हाई करने पे सोया चाप ऊपर से जल जाएगा, पर अंदर से उसकी जितनी भी लेयर्स हैं वो अच्छे से पकेगी नहीं। तो इसको आपको लगातार चलाते रहना है, इसको अलटते पलटते रहना है, और जब तक ये लाइट ब्राउन कलर का ना हो जाए हम इसे फ्राई करते रहेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पे सोया चाप जो है वो ऑलमोस्ट डन हो चुका है। तो मैं अब इसे निकाल रही हूँ, लाइट ब्राउन कलर का हो चुका है। सोया चाप फ्राई करके बनाने से इसमें जो कच्चेपन की खुशबू होती है वो चली जाती है, साथ ही साथ इसके अंदर का सारा जो मॉइस्चर है वो निकल जाता है, सारी लेयर्स खुल जाती हैं, तो फिर ग्रेवी में जाने पे ग्रेवी को अच्छे से एब्जॉर्ब करता है। तो यहाँ पे हमारे फ्राइड सोया चाप पीस तैयार हो चुके हैं। अब मैं इन्हें मैरिनेट करूँगी। तो मैरिनेट करने के लिए मैं करीबन 2 से 3 चम्मच ताजी दही लूँगी। दही आप कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने स्वाद के अकॉर्डिंग, और आधा चम्मच ब्लैक पेपर पाउडर, आधा चम्मच चाट मसाला, आधा चम्मच मैं लूँगी कश्मीरी लाल मिर्च रंग के लिए, और आधा चम्मच जीरा पाउडर। अब आप इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिएगा, और इसे हम करीबन 10 से 15 मिनट के लिए रख देंगे ताकि जो सारे मसाले हैं वो अच्छे से सोया चाप में मैरिनेट हो जाएं। अब हम करी बनाएंगे, तो इसके लिए मैंने तेल गरम किया, और उसमें मैं अपने गरम मसाले जो हैं वो ऐड कर रही हूँ, साथ में कटा हुआ अदरक और लहसुन भी, और इसे करीबन 30 सेकेंड के लिए हम फ्राई करेंगे। अभी हम यहाँ पे फ्लेम मीडियम रख सकते हैं, और अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, या फिर आप अपने स्वादानुसार डालें। साथ में मैं डालूँगी हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर और लाल मिर्च पाउडर तेल में डालने से सब्ज़ी में बहुत अच्छा कलर आएगा। और मैं इसमें ऐड करूँगी जिंजर गार्लिक पेस्ट करीबन 1 चम्मच, और इसे मैं अच्छे तरीके से फिर से 30 सेकेंड के लिए फ्राई करूँगी, और अभी मैं फ्लेम लो कर लूँगी। फ्राई करने के बाद अब मैं इसमें हमारा प्याज और हरी मिर्च का पेस्ट मिलाऊंगी। मैं इसे मीडियम फ्लेम पे अच्छी तरीके से फ्राई कर लेंगे ताकि जो पेस्ट है वो थिक हो जाए और प्याज के अंदर का वाटर जो है वो ड्राई हो जाए। तो मीनवाइल हम इसे ढक के धीरे धीरे मीडियम फ्लेम पे कुक कर लेंगे। तो जब तक हमारा जो प्याज का पेस्ट है वो पक रहा है, हम मसाले बना लेते हैं। तो इसके लिए कटोरी में मैंने करीबन 2 चम्मच धनिया पाउडर लिया है, और मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 चम्मच जीरा पाउडर और 1 चम्मच गरम मसाला। इसमें थोड़ा सा पानी मिला के मैं एक पेस्ट बना लूँगी,
और इसे ऐसे रख दूंगी 10 से 12 मिनट के लिए। तरीके से मसाला बना के डालने से ग्रेवी बहुत अच्छी बनती है। तो अब हम अपना प्याज का पेस्ट चेक करेंगे। ये जो है थोड़ा सा भी और होना बाकी है, तो ये देखिए ऑलमोस्ट एक कुक हो चुका है। इसके किनारे किनारे से जो तेल है वो आने लगा है, यानी कि प्याज का पेस्ट एकदम रेडी है और ये गाढ़ा भी हो चुका है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे हमारी टमाटो प्यूरी और इसे भी हम अच्छी तरीके से फ्राई कर लेंगे। अभी टमाटो प्यूरी जो है वो वाइट दिख रही है, मगर इसे अच्छी तरीके से फ्राई करते करते ये थोड़ी सी रेड कलर में आ जाएगी, ये भी थिक हो जाएगी। और ये देखिए इसके भी किनारे किनारे जो ऑयल है वो आने लगा है। धीरे धीरे हमारी जो टमाटो की प्यूरी है ये भी अब पक चली है। यहाँ पे देखिए एकदम अच्छी तरीके से ये पक चुकी है, पेस्ट एकदम गाढ़ा हो गया है। तो अब हम इसमें मिला देंगे हमारा मसाला पेस्ट जो हमने बनाया था, और इसमें मिक्स करने के बाद अब हम इसे फिर से मीडियम फ्लेम पे अच्छी तरीके से आराम से कुक करेंगे। साथ में मिलाएंगे नमक, पेस्ट के गाढ़ा होने तक और थिक होने तक हम इसे पकाते रहेंगे। तो अब यहाँ पे पेस्ट तैयार है, तो मैं मिला रही हूँ कटी हुई हरी धनिया पत्ती और इसे अब हम दोबारा से एक मिनट के लिए अच्छी तरीके से फ्राई कर लेंगे ताकि जो धनिया पत्ती का स्वाद है वो मसालों में आ जाए। और मिलाएंगे थोड़ा सा पानी ताकि मसाले जो हैं अब वो जले नहीं। इसे अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद और एक मिनट कुक करने के बाद अब मैं मिला रही हूँ हमारे सोया चाप पीसेस जो कि हमने मैरिनेट कर लिए थे, और इसे अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे ताकि जो सारे मसाले हैं वो सोया चाप के ऊपर अच्छी तरीके से कोट हो जाए। और अब हम इसे लो फ्लेम पे 10 मिनट के लिए धीरे धीरे ढक के पकाएंगे। तो 10 मिनट के बाद देखिए ये अच्छी तरीके से पक चुका है, किनारे पे जो तेल है वो आ चुका है। अभी हमारी ड्राई सोया चाप तैयार हो चुका है, पर हम करी बना रहे हैं तो मैं इसमें करीबन 1 से 1.5 कप पानी लूँगी और इसे 5 मिनट के लिए मैं दोबारा से पका लूँगी। 5 मिनट के बाद देखिए हमारी सोया चाप करी तैयार हो चुकी है, कितने अच्छी तरीके से ग्रेवी रेडी हुई है। तेल जो है वो ऊपर आ चुका है, यानी कि मसाला बहुत ही अच्छी तरीके से कुक हुआ है और जो करी है वो तैयार है। तो मैंने इसे धनिया पत्ती से गार्निश कर लिया है। चलिए अब हम इसकी प्लेटिंग करते हैं। इसके अंदर एक बहुत ही बढ़िया सा टेक्सचर आया है, बहुत ही नाइस कलर आया है, खुशबू तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी आ रही है। एकदम गर्मा गर्म में सर्व कर रही हूँ, देखिए इसमें से स्टीम भी आ रही है। तो ये लीजिए तैयार हो चुका है हमारा स्पेशल सा सोया चाप करी। ये देखिए कितनी अच्छी तरीके से सारे मसाले सोया चाप के अंदर अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब हो चुके हैं, एक एक लेयर में मसाले जा चुके हैं और बिल्कुल रेस्टोरेंट में मिलने वाले सोया चाप करी की तरह हमारी ये रेसिपी तैयार हुई है। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करें मेरी अगली वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए।